ही हनुमान की पावन महिमा गाते हैं, भक्तों महिमा गाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंचमुखी हनुमान की पावन महिमा गाते हैं, भक्तों महिमा गाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर ध्यान, राम रावण संग हुई लड़ाई बहुत ही घमासान, लड़ाई बहुत ही घमासान। रावण के सैनिक दिनों पर दिन मारे जाते, कैसे विजय मिले रावण के तो समझ नहीं आते, रावण को समझ नहीं आते। सोचने पे समाधान मिला तब रावण मुस्काया, पातालपुरी से अहि रावण को रावण बुलवाया, उसको रावण बुलवाया। रिश्ते में अहि रावण रावण का छोटा भाई, असुर बहुत ही मायावी था। सुनो मेरे भाई, रावण के दूत अहि रावण को लेने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रस्थान तीनों लोक में माया बिना अहि रावण के समान, अहि रावण के समान। अहि रावण रावण के सन्मुख लंका में आया, अहि रावण रावण के चरण तो आकर शीश झुकाया, तो आकर शीश झुकाया। अहि रावण को आशीर्वाद वो मुस्काया, रावण बोला अहि रावण तू सही समय पे आया, तू सही समय पे आया। हमारी बहुत सी सेना को तो मार चुका है राम, जाओ जाकर राम लखन को पहुंचा दो सुरधाम, तुम पहुंचा दो सुरधाम। मायापति भी तेरे माया से पार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सेना में अहि रावण रात्रि में आया, सभी सो गए अहि रावण ने रच दिया है माया, उसने रच दिया है माया। दोनों भाई को सोते हुए मैं उठा के मुस्काया, राम लखन दोनों को वो पातालपुरी लाया, वो पातालपुरी लाया। राम लखन को सुरों से बंधवाया, अपनी विजय पे मन ही मन अहि रावण मुस्काया, अहि रावण मुस्काया।
मायापति भी समझ न पाए असुर का माया जाल। राम लखन से बोला दोनों का निश्चित है काल, दोनों का निश्चित है काल। देखता हूँ दोनों को कौन बचाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राम लखन को न देख सेना में मच गया हाहाकार। वानर सेना लगी खोजने करके चीख पुकार, करके चीख पुकार। खोज के हारी सारी सेना, मिले नहीं श्री राम। राम लखन ही नहीं तो कैसे लड़ेंगे हम संग्राम, कैसे लड़ेंगे हम संग्राम। हनुमान जी बोले विभीषण कहाँ मिलेंगे राम, कौन दुष्ट कहाँ लेके गया है बता दो उसका नाम, तुम बता दो उसका नाम। पल भर में वध कर दूँ उसका बोल के जय श्री राम। क्रोधित हो गए हनुमान जी लेके प्रभु का नाम, की सारी बातें भी भीषण बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जी बोले सुन लो बात लगा के ध्यान, राम लखन को अहिरावण ले गया मेरे हनुमान, ले गया मेरे हनुमान। बिना उसके दूजा कोई कर सकता है नहीं ये काम, असुरों में अहिरावण का माया में बड़ा है नाम, माया में बड़ा है नाम। पाताल भैरवी साधना से है बना महान, माया के बस में कर ले सकता है किसी की जान, ले सकता है किसी की जान। पंचदीप में छिपे है हनुमत मायावी के प्राण, पंचदीप एक साथ बुझे तब जाए उसकी जान, तब जाए उसकी भीषण। हनुमान को विधि पूर्वक समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भीषण की बातें सुन क्रोधित हो गए हनुमान, हनुमत बोले उस पापी का हर लूंगा मैं प्राण, बोले हर लूंगा मैं प्राण। मेरे वारिस मायावी वो बचने ना पाएगा, राम दूत ये राम प्रभु को लेकर आएगा, के हनुमान जी कर दिए हैं प्रस्थान। पातालपुरी के दरवाजे पर जा पहुँचे हनुमान, वहाँ पर जा पहुँचे हनुमान। मकर
ध्वज पातालपुरी का बना था पहरेदार, बड़ा ही वीर था सह नहीं पाता उसका कोई वार। हनुमान जी मकर ध्वज के सामने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोला कौन है तू क्यों जाता है अंदर, लगता है कि काल तेरा नजदीक आ गया बंदर। मेरे आदेश के बिना कोई भी अंदर ना जाएगा, जो भी जाए मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम आए अहिरावन से कौन काम है शीघ्र तो बतलाए, मुझको शीघ्र तो बतलाए। वो देंगे आदेश तभी तू अंदर जाएगा, बिन अहिरावन के आज्ञा कोई जान न पाएगा। पता बतला स्वामी से पूछ के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ध्वज की बातें सुनकर कपी हुए हैरान, बोले हट जा बालक नहीं तो ले लूंगा मैं जान। अड़ा मकर ध्वज दरवाजे पे क्रोध में है आया, हनुमान जी हटा रहे पर हटने ना पाया। और हनुमान में जंग हुआ भारी, दोनों थे बड़े पराक्रमी दोनों ही बलकारी। लड़ते लड़ते पस्त हुए पर हार नहीं माने, अंत में बोला मकर ध्वज तू मुझे नहीं जाने। मेरे हनुमान महाबलशाली कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारी कैसे तू हुआ पुत्र, बता दे कौन है महतारी। लंका जला के जब लौटे मेरे पूज्य पिता हनुमान, जल के पूछ गिरा सागर में बात लो मेरी मान। पूछ निगल गई मछली उससे मैंने जन्म लिया, वो मछली ही माँ मेरी सही बात ये बता दिया। सही बात ये बता दिया। मकर ध्वज
आज सही बात बताया सुने वीर बलवान। मकर ध्वज से बोल कपि मैं पिता तेरा हनुमान, पुत्र दोनों एक दूजे को गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समान रूप कपिधर के अंदर किए प्रवेश, अहिरावण पूजा कर रहा था अंदर कछु विशेष, बलि चढ़ाने का असुर कर रहा था तैयारी। पांच दीप जल रहा था सामने मूर्ति थी प्यारी, तुझे बलि चढ़ाऊंगा, बहुत दिनों से भूखी भैरवी इसे खिलाऊंगा, आज मैं इसे खिलाऊंगा। असुरों की देवी भैरवी को मांस बड़ी प्यारा लगा, लगाने असुर माता भैरवी का जयकारा, जी मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। संग असुर भैरवी को प्रसाद चढ़ाते, मूर्ति के पीछे प्रसाद हनुमान जी सब खाते, समझा असुर है भूखी भैरवी भोग लगी खाने, हनुमान जी पीछे छिपे हैं असुर नहीं जाने, को बलि चढ़ाने चला असुर बलवान। देख महाबलशाली असुर को गरज पड़े हनुमान, हनुमान का वहीं पे हो गया पंचमुखी अवतार, पांचों दिया को पांच मुखों से बुझा किए कपिवार, रावण हनुमान मिरण भीषण छिड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ ये पंचमुखी अवतार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।